एवरीवन, आप सभी विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज है। बिहार पुलिस से संबंधित है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे आप क्लिक कीजिएगा। इस पेज पे रीडायरेक्ट होकर के आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे दो अपडेट यहाँ पे दिया गया है। फाइनल रिजल्ट दिया गया है आपका कांस्टेबल बिहार पुलिस का, जो 8400 पद पे जो बहाली निकला हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तो इसका परिणाम जो है घोषित पहले किया गया था, तो इससे संबंधित आपको इस लेटर में देखने को मिल जाएगा कितने विद्यार्थी जो हैं कदाचार में पकड़े गए हैं। ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया। कदाचार के आधार पर 95 विद्यार्थियों की छटनी हुई। दौड़ में सफल हुए थे 10608 और अनस्पर्धा शारीरिक माप जांच में सफल हुए थे 4774। अभिलेख यानी सत्यापन में आपका 290 विद्यार्थी छाटे गए थे। बाकी सारा कुछ इसमें आपको दिया गया है, आप इसको रीड करिएगा। चलिए दूसरा अपडेट जो है आपका बिहार फायर सर्विस से है। तो इसमें भी आपको अपडेट दिया गया है 1/10/2022 यानी कि ये लेटर जारी किया गया है 1 अक्टूबर 2022 को। तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा। इसका जो आपका दौड़ होने वाला है इसको आप देख लीजिए और सारे एक और जो है आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए पीटी जो है आपको 8 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 2022 से आयोजित की जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग अग्निशामक सेवा में अग्नि पद की जो वैकेंसी थी 2380 जो था, इसके विरुद्ध जो है पीटी आपको जो है 8 नवंबर 2022 से लेकर के आपको होगा 12 अक्टूबर 2022 तक। तो याद रखिएगा 8 नवंबर से स्टार्ट होगा और 12 अक्टूबर 2022 तक चलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं 8 नवंबर 2022 से आयोजित की जाएगी। शारीरिक दक्षता प्रवेश पत्र दिनांक, सॉरी प्रवेश पत्र जो हो वो आपको डाउनलोड हो जाएगा, वो 12 अक्टूबर से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वेबसाइट दिया गया है www.csbc.bih.nic.in, बिहार फायर सर्विस टैब पर उपलब्ध रहेगा। बाकी इसको आप रीड कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या लगना है आप सभी को, यहाँ पे वैध फोटोग्राफ, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि, पैन कार्ड, सारा कुछ चलेगा। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र दिनांक 1/8/2020 तक या इससे पूर्व की शैक्षणिक अर्हता मान्य होगी। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति आपको चाहिए और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए। अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, अत्यंत पिछड़ा है, वो हो गया आपका। एनसीएल चाहिए, नॉन क्रिमिनलियर जो है वो भी चाहिए आपको। बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र चाहिए। बाकी सारा कुछ ईडब्ल्यूएस वाले अपना है वो ले जाएंगे। यहाँ पे वही चीज लिखा गया, इसको आप रीड कर लीजिएगा। तो ये तो था आपका अग्निशामक से रिलेटेड, जो कि आपका 2380 पद के लिए जो बहाली आया था 2021 में, विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 01/2021। तो ये हो गया। और यहाँ पे आप देख लीजिए बिहार पुलिस से संबंधित जो दिया गया है आपका 8415 पदों के लिए, यहाँ पे सारा कुछ पहले जो है रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, कटअप वगैरह, ये थोड़ा लंबा है पीडीएफ, आप इसको देख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ बात करते हैं एक और लेटर जो निकाला गया है, इसमें आपको योगदान करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको योगदान के लिए क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। योगदान के अवसर पर आर्थिक निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र आपको वैध, देख लीजिए यहाँ पे फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि मतदाता पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इत्यादि, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए जो है आपका सर्टिफिकेट जो है मैट्रिक का चलेगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वही जाति वाला एनसीएल यहाँ पे भी है मांगा गया है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र आपको चाहिए। और यहाँ पे दिया गया है 6 नंबर पॉइंट में आप देख लीजिए, गृह रक्षा के आदि लागू हो तो होने संबंधी प्रमाण पत्र गृह रक्षा अभ्यर्थियों का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी है ना आनंदपुर बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा होम गार्ड का वैध आई कार्ड योगदान के समय लाना अनिवार्य होगा। बाकी यहाँ पे भारतीय मूल के गोर अच्छा लागू हो तो आपके पास अगर ऐसा जो डॉक्यूमेंट है तो, अन्यथा ये जो है आपका ऑप्शनल है, ये सब चीजें ना भी है तो चलेगा। स्वतंत्रता सेनानी के लिए, अब जिनके पास था स्वतंत्रता सेनानी जो लगाए थे तो उनका पोता या पोती या नाती या नतनी होने का जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी लेकर के आपको जाना है। तो यहाँ पे सारा कुछ फुलफिल किया गया है, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा।
और यहाँ पे जिन कैंडिडेट का जो कैटेगरी है यहाँ पे देख सकते हैं मेल फीमेल, यहाँ पे रोल नंबर दिया गया, सीरियल वाइज नाम यहाँ पे आप ढूंढ लीजिएगा, सारा कुछ उनका यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लेकर के जाना है ना। और डेट जो है मेंशन है यहाँ पे, आप डेट देख लीजिए 15/9/2022 से 15/10/2022 तक आवंटित जिला इकाई में संबंधित नियुक्ति प्राधिकार वरीय पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक यहाँ कुछ एवं समकक्ष के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर योगदान करें। तो आप सबको पता होगा और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। बाकी एक छोटी सी अपडेट थी आप सबों के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थियों को जो न्यू नोटिफिकेशन है 2022 में इंतजार है कि न्यू बहाली जो है बिहार पुलिस का कब आएगा, तो ये पूरा होने के बाद ही शीघ्र जो है आपका बिहार पुलिस का बहाली आने वाली है। इस पे कार्य चल रहा है, तेजी से कार्य चल रहा है। तो नोटिफिकेशन आपको लास्ट 2022 तक देखने को मिल सकता है, यानी नवंबर दिसंबर तक आपको नोटिफिकेशन बिहार पुलिस का देखने को मिल सकता है। सीट भी होगा जो अच्छा खासा सीट जो है इस बार बिहार पुलिस के लिए आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, कीप इन टच, बाय बाय।